आफ्टर टेकिंग आउट ऑफ अ पर्स 1/5 ऑफ इट्स कंटेंट. अब आपको नहीं पता पर्स में कितना कंटेंट है, यू हैव टेकन, तो यू डोंट नो कि पर्स में कितना कंटेंट है, वही आपको निकालना है. उसका 1/5 आपने निकाला, फिर जितना बचा उसका 1/12 ऑफ द रिमाइंडर वॉज फाउंड टू बी 7.40 ना. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले लेट, आप ये देखो कि लेट जो पर्स में था, ठीक है, लेट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, लेट कंटेंट इनसाइड द पर्स बी एक्स. ओके, अब आपसे क्या कह रहा है वो करने के लिए, आपसे कह रहा है कि व्हाट यू हैव डन, यू हैव टेकन 1/5 ऑफ इट्स कंटेंट्स. ठीक है, तो आपने उसका 1/5 ले लिया, तो 1/5 कितना होगा, 1/5 ऑफ एक्स विल बी 1/5 और एक्स बाय 5, रिमेनिंग विल बी हाउ मच, कितना बच जाएगा, रिमेनिंग विल बी एक्स में से एक्स बाय 5 तो आपने ले लिया, सो दिस विल बी 4x/5 विल बी द रिमेनिंग. ओके, अब आपसे क्या बोल रहा है, अब आपसे बोल रहा है इस रिमेनिंग का अगर आप 1/12 निकालोगे, 1/12 ऑफ द रिमाइंडर वॉज फाउंड टू बी 7.40. ठीक है, तो 1/12, नाउ व्हाट इज गिवन टू मी, 1/12 ओके ऑफ द रिमाइंडर, ऑफ रिमाइंडर इज नथिंग बट 7.40. ठीक है, सो 1/12 इंटू रिमाइंडर, रिमाइंडर इज हाउ मच, 4x/5 इज इक्वल टू 740/100 ले लीजिए इसे. ठीक है, पॉइंट हटाकर. ओके, सो दिस विल बी 10 से 10 काट लीजिए, सो दिस विल बी 4x/60 इज इक्वल टू 74/10, 10 से 10 और कट जाएगा, 2 2s are 2 3s are. ठीक है, सो 2x/3 इज इक्वल टू 74, 2x/3 इज इक्वल टू 74. ओके, और x विल बी 74 × 3/2, 2 3s are 6. ओके, एंड 2 7s are 14, 37 × 3, x विल बी इज इक्वल टू 7 3s are 21, कैरी 2, 3 3s are 9, 10 11, 111 रुपीज़, वेरी गुड. सो मोस्ट ऑफ द पीपल हैव गिवन द राइट आंसर. ठीक है, 111 रुपीज़, सो द कंटेंट विल बी 111, वेरी गुड, बहुत अच्छे.